राजस्थान अब धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की जनता 25 नवंबर को वोट डालकर 3 दिसंबर को यह तय कर देगी कि आखिर किसके सर पर का सजा है। वहीं इन चुनावों से अंतिम व्यक्ति को क्या मिला, अंतिम व्यक्ति क्या सोचता है, इसी को जानने के लिए आज हम इस टेम्पू टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे गाड़ियां हैं, जिनके ड्राइवर हैं वो गाड़ियां चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हम इन गाड़ी चालकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और चुनाव को लेकर कितना उत्साह उनमें है। क्या उनका भी चुनाव के अंदर माहौल बनना शुरू हो गया है, क्या गांव देहात के अंदर जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, क्या उनकी किस प्रकार की रुचि है, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये तमाम जो टैक्सी स्टैंड पर जो ड्राइवर है हम उनसे जानेंगे। सर क्या नाम आपका? गोविंद सोनी नाम है मेरा। कौन जी, आप तो आसपास सभी जगह जाते हो, जयपुर दिल्ली पूरे राजस्थान घूमते हो गाड़ी लेकर, माहौल बनना शुरू हो चुका है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अभी तो फीका ही है, ज्यादा इतना कहीं टिकट नहीं बनती है और कहीं टिकट बंट गई वहीं पे चल रहे हैं। अच्छा, आपके क्या मुद्दे होंगे, किस प्रकार की आपके सामने समस्याएं आती है जब आप गाड़ी लेकर जाते हो, गाड़ी चलाते हो, क्या करें? समस्या हमारे तो टैक्स कर रखा है सरकार ने बहुत सारा, और डीजल का भाव है वो ऊपर हो रहा है, जान भी नंगा हो रहा है, और टैक्स भरते हैं, टोल भी देते हैं, और टोल रोड है वो भी फूटी हुई पड़ी है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और कुछ है ही नहीं। अच्छा, नई सरकार से क्या उम्मीद करते हो, क्या आप मांग रखना चाहोगे नई सरकार से, जो काम करे आपके लिए, आपके हित में करे? सरकार बहुत देख ली, नई आ जाएगी तो वो ऐसी है, अब है वही ऐसी है, सरकार तो ऐसी रहनी है। वोट है, पता है आपको पार्टियां चुनाव जारी कब चुनाव, पता है आपको? चुनाव तो 25 तारीख का है। आप में लोगों में उत्साह है एकदम इधरी को नहीं उत्साह? वजह के एक ना तो परेशान, तो किसी सरकार आज परेशानी तुम्हारे है, अब कम आगे खावा अटू निकला तो थोड़ी बहुत जे थोड़ा कागजाम कमी है, बेल्ट को नहीं तो कह हजार को चलान उसी बटे 500 रुपया दे के सलटा लियो तू हाथ बे खाते में तो जे को नहीं कह जदे कह के खाता है अशोक गहलोत के खाते में जाएगा पैसे और क्या है। कितने कमा लेते महीने का आप? कमाते तो कोई 15-20 हजार कमा लेते हैं, उसमें 5-7 हजार रुपया खर्चा आ जाता है। अच्छा बताइए, किस पास सरकार काफी योजनाएं लेके आई है, चिरंजीवी योजना है, मोबाइल भी बांटे हैं, कुछ असर है इन चीजों का? कुछ ही असर नहीं है, मोबाइल दिया है तो लुगैन दिया है, पटेडी को नहीं आराम मिल दिया फोन, और तो मोबाइल तो एकदम मेरे को तो बकवास लग रहा है। अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया आपका? अशोक सोनी। कब से गाड़ी चला रहे हो आप? 30 साल। 30 साल से, 30 सालों के चुनाव की बात करें तो कितना बदलाव आया इन चुनावों के अंदर? बदलाव है लेकिन हमारी समस्या जो की त्यों ही है, 30 साल से हम स्टैंड की स्थायी स्टैंड की मांग कर रहे हैं। जो कांग्रेस वाले बोलते हैं मैं दिलवाऊंगा, सभापति जी वो बोलते हैं मैं दिलाऊंगा, बीजेपी वाला मैं दिलाऊंगा, आज तक किसी ने स्थायी स्टैंड नहीं दिलाया है। हर जगह स्थायी स्टैंड है, एक सरदार शहर ऐसा है वहां पे स्थायी स्टैंड नहीं है, तो हमारा तो कुछ किया नहीं है आज तक। अच्छा, क्या मांग आपके चुनाव को कैसे देखते हैं, कैसा नेता होना चाहिए, कैसे पार्टियां जो आपका विकास कर सकती है? नेता तो चुन के तो यही आएंगे, कोई नया तो आ नहीं रहा है, तो इनसे कोई उम्मीद है नहीं हमें। आप पे क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमें तो स्थायी स्टैंड चाहिए, गाड़ियों को टैक्स है, डीजल को कुछ राहत हो, ऐसा चाहते हैं। गाड़ियों में टैक्स में और डीजल में राहत हो, रोड टैक्स टोल टैक्स दुनिया भर का हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, और टैक्स दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, हर चीज में महंगी वाड़ा है, गाड़ियों वाले की बहुत बुरी हालत है। क्या नाम आपका? रामादत्त सारण। वोट की बात करो, आप किसको वोट करोगे? वोट तो हम तो RLP को करेंगे, यही कुछ लग रहा हमें तो, और कोई दिख नहीं रहा, हम तो 100 साल से बेलदम पड़े हैं, निकलेंगे तो ठीक है, नहीं तो पड़े तो हैं ही पहले। तीसरा मोर्चा कुछ कमाल दिखा सकता है राजस्थान में? बिल्कुल दिखाएगा, हकीकत है, जो कुछ है करने वाला तो यही है, नहीं कोई करने वाला है ही नहीं राजस्थान के अंदर। तो अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? कब से गाड़ी चला रहे हो आप? 10 साल हो गए। कितना बदलाव आया, आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के अंदर? हमारे मुद्दे क्या रहेंगे भाई, थोड़ा परेशान, रोड पे गाड़ी चलाते हैं, टैक्स वगैरह लेकर भी बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, सड़कें भी ऐसी है, सड़कें बदहाल है, जिला वगैरह बने हैं राजस्थान के अंदर काफी जिले में, अशोक गहलोत सरकार ने कुछ असर होगा उसका चुनाव के अंदर? ना उससे क्या होगा, जिले बढ़ेगी और काम तो बढ़ेगा नहीं, काम पहले भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ।
लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। भैया क्या नाम आपका? दिनेश कुमार शर्मा। कब से गाड़ी चला रहे हो आप? लमसम सर 15 साल हो गए। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, आपको पता है कौन सी योजना है? कुछ लाभ उठाया कभी आपने योजना? नहीं सर, हमने तो कभी कोई लाभ नहीं देखा है। ठीक है, हमारी तो यही मांग है स्टैंड की, और ये अस्थायी हो जाए तो अच्छा है सर। क्या लाभ होगा इससे? सर होगा, हम जो ड्राइवर लोग है वो आटा बुरा लें या रोजगार तो होगा ना इससे, और तो क्या होगा। इसमें ये फर्क रहता है कि हमारी गाड़ियां यहाँ पे लग जाती है। अब जैसे ये ट्रक सीज हुआ है, ये देखो आप, तो ये 10 गाड़ियों की जगह रोकती ना, बोलने वाला नहीं है कोई, और राजस्थान पुलिस है ये सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम अदर राज्य में जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, कहीं की पुलिस हमें परेशान नहीं करती है, सिर्फ राजस्थान की पुलिस है ना ये परेशान करती है। एक ड्राइवर है 10,000 रुपए महीने का कमाने वाला आदमी है, उसके 2 शर्ट होते हैं, अगर वो 3 दिन के टूर में गया तो शर्ट तो मेली हो जाती है ना, उसके बदले में उसने दूसरे कपड़े पहन लिए ना, तो 1,000 रुपए दे के गेल छुटानी पड़ती है। शर्ट आती है 300 रुपए, 1,000 रुपए। आज तक हमने 5,000 रुपए महीने के, अगर हमारी गाड़ी चलती है तो 5,000 रुपए महीने के पुलिस के मान के चलते हैं हम। पुलिस प्रशासन से परेशान है राजस्थान पुलिस के, रखते हैं। तो चुनाव के वोटों की बात करें तो आपको सरकारी योजना का लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं मिलता है ड्राइवरों के लिए, कोई योजना निकाली नहीं है। ड्राइवर है वो आप मानते हो यातायात की रीढ़ है, ड्राइवर से चलता है सारा काम, लेकिन आज तक किसी मंत्री ने, विधायक ने, सांसद ने, किसी ने आज तक कोई ड्राइवर के लिए योजना ही नहीं निकाली है। कोई मर जाता है तो चंदा ही हम ड्राइवर आपस में इकट्ठा करके देते हैं परिवार वालों को, सरकार से हमें कोई फायदा नहीं मिला आज तक। तो सरकार से आज तक इन्हें कोई फायदा नहीं मिला है, इनकी अपनी पीड़ाएं हैं, हालांकि चुनाव है, चुनाव का रंग है वो राजस्थान पर दिखने लगा है, लेकिन इनके ऊपर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको कैसे देखते हैं चुनाव को? क्या चीज़ है? चुनाव आप कैसे देखते हैं? चुनाव को कैसे देखते हैं? सब देखते हैं उसे, हम देखते हैं। रुचि है चुनाव के अंदर आपकी? नहीं, नहीं। वोट करने जाओगे आप? वोट तो देना है। तो क्या आप क्या चाहते हो, कैसा नेता हो, किस प्रकार विकास काम हो? नेता तो ये नेता है, और दूसरा तो कोई है नहीं, जो सदा के लिए वही है, और कोई नेता है नहीं। आप क्या चाहते हो, क्या विकास होना चाहिए? विकास तो बस हमारा तो बस हमारा पर्सनल मुद्दा तो ये है कि स्थायी स्टैंड हो। इसके अलावा और क्या? और तो सब आप हालत देख ही रहे हो ना सारी, आप भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है क्या हालत है। योजनाएं तो बहुत सारी है, चाहे फोन की योजना हो या फिर चिरंजीवी योजना हो, जो बच्चों के लिए खेलने की भी योजनाएं आई है, बदलाव नजर आया कुछ या नहीं? फिर भाजपा आई क्या, कांग्रेस आएगी? फोन की योजना से हमें क्या फायदा हुआ? मरिया मिला करा रही है बस नहीं, हमें तो कुछ नहीं फायदा। और जब नई सरकार आएगी उसमें देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इन लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपना अपना मुद्दा है, लेकिन आज भी इन लोगों तक सरकारी योजनाओं का कोई बहुत ज्यादा लाभ है वो नहीं पहुंचा। इनका कहना है कि हमारी यदि टैक्स सिस्टम सही रूप से कर दिया जाता है कुछ हद तक हमें लाभ पहुंच सकता है, हालांकि चुनाव के लिए इनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले ये लोग हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। चुनावी रंग राजस्थान में दिखने लगा है, लेकिन इन लोगों तक अभी तक बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। तो हमने आपको दिखाया कि अंतिम व्यक्ति की क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।